एक से एक विशाल सुनो क्या हरी हरी की माया है कोई नहीं संतान रूप में साथ माता ओ साथ प्यार रसाया है मेरे साथ प्यार सुना के नरवलगढ़ में राजा पृथ्वीपाल नाम करके कोई राजा राज किया करता और हमारे देश की शान होता था। नरवलगढ़ उस समय विश्व का सबसे बड़ा घोड़ों का मार्केट होता था, मेला लगता था। आज भी चर्चा करते बुजुर्ग लोग नरवलगढ़ में जाना दिन सदा जान की बात है। उस नरवलगढ़ की एक कहानी है कि वहां के राजा का नाम महाराजा पृथ्वीपाल था और उसके घर में छह रानी थी। थोड़ा मोटा कूद के पड़ो छह थी मासे जी मुगा छह वाले मारिए की पादरी को जिस बच्चे की आखरी की पादर ना बैठे वह डी ठाठा के देखे। गांव में बाजा बाजा था, बुढ़लियो बोल रहे छोरा बाजा क्या है बाजे हैं। छोर और 30 साल को निबल का बाप माँ बाप जाना हूं के बाजे हैं आपने तो जान मजीरा बाजे हैं बाबा की चिंता करे। अब यो कोरोना हटिया ने और मारे मटा कंगा मासे तमी गामा गामा अंडो हारो टाबरानो कहते छोरा से पोरे कहते गामा गामा चून मांगना अंडा हमारी मजदूरी खातिर अंडा प्रो सिनारो दिया फिर आ गए किचे 15 छोरा ने ट्रांसमीटर के चेप दे बताओ के करा। फिर भी मटा फोन नंबर 4 गोत लिख के मां झाजड़नी दादी पूननी मटा मारी गोज में गाल दी वहां ताओ दे पाइड के वहां पर चिंता करना बताओ। छोरी 82 छोरा 100 82 लड़की 100 छोरा बताओ बीरनी हम गोबर की थाप के कितने ला ये सौदा हो गया। वो जी मारिए की पादर कौन वो 6-6-7-7 का केक रहा करता। ये विचार आपके मन में भी आया होगा कि सात रानी क्यों थी उसके अगत की खातिर सारी दुनिया 100-100 दुख से ऐसे औलाद हुए बिन वीरान दुनिया बांध के ऐसे शादी करता यार कौन सी वीरानी कोई बालक ना पैदा है दरा सातवां ब्याह कर दी किसी भी प्रके कहने से कि साथ में जो रानी आओगी महल में तब तेरी बनस्मित चल। अब जो 6 रानी थी राजा की वो आपस में बतलाई नहीं बोली हाँ ये छोटनी रानी का जब लड़का हो गया तो अपनी के कदर बनेगी नहीं बोली बेबे अपनी वाह कदर बनेगी जब ये 300 का भाकड़ बिका होगा तो पार्टियां की पालेट भंसा होगी थी वह अपनी बनेगी। वह आपस में बोल बतला के 100 रुपये संजू भाई अपनी पार्टी का मान सम्मान करती हैं और एक बात और बता देता हूँ भैया आपको भी लाया और सारी अपना अपना चीर तार के और पंडित जी के पाए में धर दिया। बोला के बात महारानी बोली भीड़ पड़ी मैं हम सरे बदला भीड़ पड़ी मैं हम सवा ने याद किया है आदत में वो आदत ने बदला I'm not afraid.
और पार्टियां पंडित का भी सुन के, मैंने तो सुना है ठीक बताया, नारी नहीं नवरंगी है, नवरंगी नहीं बहुरंगी है, ये डके तो दोनों कुल को डके, वरन तो नंगी की नंगी। राजा की बड़ी मुश्किल से सातवां ब्याह कराया, जब वंश वेद चालन का ज्योत बैठा और ये चंडाली उस बच्चे को मरवाती, रानी को मरवाती है, धिक्कार करता है उन्होंने, हे महारानियों क्या कुछ कर लिया नशा आपने, अक्ल बखी तुम्हारी सिमनानी सही आपकी बुद्धि मलिन होगी। मुश्किल से राजा की वंश वेद चालन का आटो आया, रानी तो मरवाण की कहती हो आप, रानी संग्रह की सारी विचार कर आगे भी वो पंडित पेट पकड़ी जाएगा राजा के पास, और फिर धारी टिकट कटने वाली बोली दादा ये गीता के पाठ कराने खातर नहीं बुला रहा क्या तू, यहां जो हम बताओ काम करना होगा क्या, वो मांगी तो इनाम मिलेगी नहीं किसी से मरी बड़ी दुरता बताई, बड़े तेज होते हैं नाई बैठा तो बुरा में मान जाइए, बड़ी समझदार होते हैं, चार चादर जोड़ के एक चादर बनाई उनकी, लगना घनी बाप रेड़ी थी, जहां की भी धड़ पर बैठा हुआ धड़किया देख रहा हुआ मजबूत नाई थो, तीन मन तूड़ी एक बार में लिया उठा गए, वह गांव वाला को चादर की सी खटक होती मनोड़े अतिया पाटन ने गए छूटे, एक दिन कर्मा करके नाई का घर ही आग लाग गई, बूढ़ा बाड़ स्मार्ट बोला रहा भागवर मेरा गरीब मारी होगी, बुझाओ बुझाओ मेरा गांव रूसो लागो, तो थोड़ा भाग्या बुझाओ खातर एक बूढ़ा मानस बैठा था, मेरा चादर तो गेरी हो रहे
माननीय श्रीमान जोरा मानस का बदलावा माया कि नाम में बिना पड़ी